नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लिकर ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। धनतेरस और दीपावली को लेकर शिमला का बाजार खरीदारों और पर्यटकों से हुआ गुलजार। दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लिकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐतिहासिक रिज मैदान से आरंभ की गई रन फॉर यूनिटी दौड़ में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें खिलाड़ी, खेल प्रेमी, पुलिस बल के कर्मी, विद्यार्थी और अन्य लोग शामिल थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट रेडक्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस दौड़ का समापन द मॉल और छोटा शिमला से होते हुए पुनः रिज मैदान पर हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल सदैव भारत को मजबूत, समग्र, सचेत, विनम्र और विकसित देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर को स्मरणीय बनाते हुए अब इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत की 562 रियासतों का एकीकरण कर भारत गणराज्य के निर्माण का श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी और लोह पुरुष सरदार पटेल के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर प्रतिमा का अनावरण किया। एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए यह दायित्व उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे सौंपा और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई और एक एक रियासत को मिला करके भारत का हिस्सा बनाया। ऐसे में उनके इस योगदान को हम स्मरण करते हैं और आज उनको हम शत-शत नमन करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया
कि देश की आज़ादी के लिए जिस व्यक्ति का, जिस नेता का इतना बड़ा योगदान रहा, भारत के इतिहास में उनका वो स्थान, वो सम्मान नहीं। उस दृष्टि से गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए एक शुरुआत की उनने और एक स्टैचू बनाने की एक पहल की गुजरात में केवड़िया में, और वो स्टैचू ऐसी स्टैचू बने जो दुनिया के सबसे ऊंची 182 फीट की जो हाइट जो है, ऊंचाई उसकी सुनिश्चित की गई, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बने और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम दिया जाए। उस दृष्टि से एक प्रयास किया और मैं व्यक्तिगत रूप से उस, जिस दिन ये शिलान्यास किया गया था, उस दिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस कार्यक्रम का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं वहाँ था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो पूरे इस कार्य के लिए जो कोऑर्डिनेटर बनाने की जो एक आवश्यकता थी, उसके दृष्टि से मुझे वो दायित्व तो उस वक्त दिया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है, तो आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, जिसे राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, के अवसर पर उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही और बहुत बड़ा उनका योगदान भी रहा उस दृष्टि से बतौर प्रधानमंत्री, और अभी तक के इतिहास में भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला के नाते वो रही हैं, और उनके इस योगदान को भी आज हम स्मरण करते हैं। देश के लिए उनने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान को भी हम स्मरण करते हैं, और स्वाभाविक रूप से बतौर प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं को निष्ठा से पालन करने के लिए प्रदेश के लोगों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना है, और प्रदेश इस वर्ष नवंबर माह के अंत तक पात्र आयु वर्ग के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। कोविड के मामले में थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में, वो चिंता का विषय है, स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। स्कूल में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, वो और ज़्यादा चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि आने वाले समय में हम कुछ दिन, 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद दिवाली के बाद हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे क्या उसमें आगामी हमको कार्यवाही करनी है। रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की ज़रूरत रहेगी और ज़्यादा, तो उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीच में थोड़ी जो नंबर बढ़ा है, ये कुछ एक रीजन में, पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उसमें ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं मानता हूँ कि भाई अभी तक इस बात को लेकर के आगे करने की ज़रूरत है। जो हमने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त है, तो आने वाले समय में विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलवाई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के लिए यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। इस अवसर पर पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स के दलों द्वारा मार्च पास्ट की प्रस्तुति भी दी गई, जिसका नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक अंकित शर्मा ने किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस बल की पहली टुकड़ी मार्च से गुजरती हुई, जिसका नेतृत्व कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस की तृतीय टुकड़ी एकता अनुशासन का भाव प्रदर्शित करती हुई एएसआई अशोक कुमार की अगुवाई में राजधानी शिमला में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खरीदारी के कारण बाजार में दिन भर जाम की स्थिति बन रही है। सुबह से ही लोग बाजार पहुंच रहे हैं और दीपावली के लिए नए कैलेंडर, नए कपड़े, रसोई के सामान, मालाएं, आभूषण, घर के सजावट का सामान और गिफ्ट्स की खूब खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर्व से पहले धनतेरस को लेकर बाजार सज चुके हैं। राजधानी शिमला में बर्तनों की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लाखों रुपए का कारोबार धनतेरस के त्योहार पर होने की उम्मीद है। वहीं कारोबारियों ने दीपावली से संबंधित सामान बेचने के लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। दिए, सजावटी लाइट्स, तोरण, सजावटी फूल, ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे सहित सभी प्रकार के जरूरी सामान को सजा दिया गया है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कारोबारियों ने गिफ्ट्स आइटम्स का भी नया स्टॉक मंगवाया है। बता दें कि 2 नवंबर को धनतेरस और 4 नवंबर को दीपावली है। वहीं दीपावली और धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। बस कोरोना ये है कि अब इतने साल से कोरोना चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, थर्ड वेव लहर की आने की आशंका भी है, लेकिन मेरी तो यही दरख्वास्त है सबसे कि अपना मास्क पहने, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो सब बेहतर रहेगा। इस चीज़ से हम अच्छे से निकल पाएंगे कोविड से, और सब दिवाली वाली भी हम अच्छे से मना पाएंगे, सब सुरक्षित रहेंगे, तभी दिवाली भी हम अच्छे से मना पाएंगे। यही दरख्वास्त है कि सब अपना बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। बिल्कुल, ये मतलब मेरा तो यही है मानना कि अब जो भी चीज़ लो हमेशा मेड इन इंडिया लो। मोदी जी का जैसे नारा है कि मेड इन आत्मनिर्भर भारत बनो, कि इन छोटे से छोटे जो आर्टिसन हैं, जैसे यहाँ पे दिए बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, सब कुछ छोटे छोटे करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनको सपोर्ट किया जाए ताकि इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाए। इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों से अगर हर कोई बंदा इन चीज़ों को सोचे तो इंडिया आज बहुत सारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी बना सकता है इन कंपैरिजन हर चीज़ से। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो बहिष्कार करना ही चाहिए, हमेशा चाइनीज़ प्रोडक्ट और कुछ इतना क्रेडिबल होता नहीं है वो सब चीज़ें, तो इसलिए चाइनीज़ को तो नो टू द चाइनीज़ आइटम्स। एक तो महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से हमारे त्यौहार के सीजन में लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर मान लीजिए महंगाई और त्यौहार को एक तरह से तोला जाए तो लोगों के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, जिस वजह से आप मार्केट में, बाज़ारों में इसकी कमी देख सकते हैं। लोग महंगाई की मार तो पड़ी है, तेल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक बंद थी, तो जैसे जैसे ये खुल रही है तो वैसे वैसे हम धीरे धीरे इस दौर से निकल रहे हैं। लेकिन हमें अपने देश की इकोनॉमी या देश के पैसे को भारत में ही रखना चाहिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट का कभी भी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो गरीब लोग जिनके पास पैसा कम है वो भी अच्छे से दिवाली मना सकें। दीपावली पर्व को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। शिमला शहर में जिन जिन स्थानों पर पटाखों को बेचने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहां पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां विशेष रूप से तैनात रहेगी। अग्निशमन की वैसे तो हर जगह पर पैनी नजर रहेगी, लेकिन 3 से 4 स्थान आइस स्केटिंग रिंक, संजौली, बालूगंज और छोटा शिमला में विभाग सबसे ज्यादा अलर्ट रहेगा। वहीं स्टेशन फायर ऑफिसर माल रोड टेकचंद चौहान ने बताया कि दीपावली के दिन कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। दीपावली पर्व को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग की तरफ से शिमला के आइस स्केटिंग रिंक, संजौली, बालूगंज और छोटा शिमला में पैनी नजर रखी जाएगी। इन स्थानों पर सबसे ज्यादा पटाखे बेचे जाते हैं और लोगों की भीड़ भी अधिक रहती है। यहाँ पर कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग पटाखों की दुकानों के बाहर ही गाड़ी खड़ी करेगा, ताकि घटना होने पर तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। यही नहीं, विभाग के कर्मचारियों की दिवाली की दिन छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। त्योहारी सीजन में हर वर्ष अग्निशमन विभाग का अहम रोल रहता है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 2 शिफ्टों में ड्यूटी
ड्यूटी देंगे। माल रोड और लोअर बाजार में भी काफी संख्या में कर्मचारी तैनात रहेंगे। त्योहारी सीजन में इन दिनों बाजारों में भीड़ पड़ गई है, ऐसे में पुलिस विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। स्टेशन फायर ऑफिसर माल रोड टेकचंद चौहान ने बताया कि दीपावली के दिन कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके और पटाखों की दुकानों के बाहर विभाग की गाड़ियों को खड़ा किया गया है। दिवाली के चलते कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अभी हाल ही में दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो इसमें हमने सबसे पहले तो अपने स्टाफ की जो छुट्टियां बंद कर रखी है, कोई भी हमारा कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। दूसरा, हमारा जो साजो सामान बिकर्स जो है वो हमने बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं, जब भी कोई घटना घटती है तो तुरंत मौके पर पहुँचेंगे। और हमारा एक लोगों को यह मैसेज रहेगा कि जब भी वो अपने घरों में पटाखे जलाएं तो एक निश्चित स्थान पर, जहां पर कि कोई किसी प्रकार की कोई आगजनी की घटना न हो, उस स्थान पर ही पटाखों को जलाएं। और अपने बच्चों से जब पटाखे कराते हैं तो उनको अपने साथ रखें, ताकि वो किसी मिसहैपनिंग ना होने का खतरा ना रहे। दूसरा, अपने जहां पटाखे जलाएंगे वहां पर जो है पानी का बंदोबस्त रखें, जिससे कि कोई मिसहैपनिंग होती है तो तुरंत जो है वो उसके ऊपर पानी डाल कर जो है उसको बुझा सकें। दूसरा, जो हमारे जो पटाखा विक्रेता हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो एक जो एक निश्चित स्थान होगा उस पर ही अपने स्टॉल लगाएं, और वहां पर भी अपना पानी का प्रॉपरली बंदोबस्त रखें, और जो भी कोई आगजनी की घटना होती है तो तुरंत जो है उसके ऊपर पानी डाल के आग को बुझा दें। आम जनता को वाजिब दाम पर मक्खन और देसी घी उपलब्ध करवाने वाला सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड इस बार दीपावली पर्व पर 500 क्विंटल से अधिक मिठाई बेचेगा। यह पिछले साल के मुकाबले 100 क्विंटल अधिक है। आलम यह है कि मिल्क फेड द्वारा तैयार की गई मिठाइयां एक हफ्ते के भीतर ही बिक जाती हैं। लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, ये शुद्धता की गारंटी भी देते हैं। मिल्क फेड विभाग के MD भूपेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि विभाग प्रतिवर्ष दीपावली पर मिठाई बनाता है और बाजार में उतारता है। उन्होंने बताया कि लोगों को यह मिठाइयां आसानी से मिल सके, इसके लिए सभी जिलों के बस अड्डों पर काउंटर लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड इस साल दीपावली पर्व पर विभिन्न तरह की मिठाइयां बनाने जा रहा है। मिल्क फेड विभाग 500 क्विंटल मिठाई बनाएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 100 क्विंटल ज्यादा है। इस बार मिठाइयों में बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू, क्रीमी बर्फी, पंजीरी और अन्य विशेष मिठाइयां बनाई जाएंगी। इन मिठाइयों के डिब्बों पर एक्सपायरी डेट भी अंकित होगी। कुछ मिठाइयां शुद्ध देसी घी से बनी होती है। सबसे अधिक डिमांड पंजीरी की होती है। इसके अलावा बर्फी, बेसन के लड्डू, काजू बर्फी भी खूब बिकती है। इस बार बच्चों के लिए भी स्पेशल मिठाई बनाई जा रही है। वाजिब दाम पर बिकने वाली ये मिठाइयां लोग उपहार के तौर पर भी अपने परिचितों को बांटते हैं। वर्ष 2019 में मिल्क फेड ने 360 क्विंटल मिठाई बनाई थी। पिछले साल 400 क्विंटल से अधिक बनी थी। आम जनता से मिले फीडबैक के अनुसार लोग शाम के समय मिठाई खरीदने निकलते हैं तो उन्हें मिल्क फेड के काउंटर खाली मिलते हैं। ऐसे में मिल्क फेड ने इस बार मात्रा बढ़ाई है। मिल्क फेड इस बार 3 नई किस्म की मिठाइयां बनाएगा, जिसमें बच्चों के लिए चौको चिप्स, क्रीमी बर्फी और अलग अलग प्रकार के लड्डू शामिल है। मिल्क फेड विभाग के MD भूपेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि विभाग प्रतिवर्ष दीपावली पर मिठाइयां बनाता है और बाजार में उतारता है। उन्होंने कहा कि इस साल 500 क्विंटल मिठाई बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भूपेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि लोगों को यह मिठाइयां आसानी से मिल सके, इसके लिए सभी जिलों के बस अड्डों पर काउंटर बनेगा। इसके अलावा विभिन्न जगहों में भी काउंटर लगाए जाएंगे। वहीं शिमला, कांगड़ा और मंडी में विशेष गाड़ियों में भी मिठाई भेजी जाएगी, जो कि जगह जगह पर जाकर लोगों को मिठाई उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि मिल्क फेड में बनी मिठाइयों की खासियत ये रहती है कि यह शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है और मिठाइयों की प्रमाणिकता की जांच भी की जाती है, उसके बाद ही इसे बाजार में उतारा जाता है। HP मिल्क फेड ने इस बार भी हर वर्ष की भांति जो प्योर घी की मिठाइयां हैं, शुद्ध देसी घी की मिठाइयां हैं, वो बाजार में उतारी है। पिछली बार 400 क्विंटल का लक्ष्य था, इस बार 500 क्विंटल का लक्ष्य है। उससे पिछली बार 300 क्विंटल हमने बनाई थी, हम हर वर्ष 100 क्विंटल बढ़ा रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स को देखते हुए, क्योंकि बाजार में खासकर फेस्टिवल सीजन में तो जो प्योर मिठाइयां हैं वो मिलती नहीं हैं लोगों को, और इनमें खोए की जितनी भी आइटम्स रहती है या मिठाइयों में इनमें एडल्ट्रेशन की संभावना रहती है, तो लोगों का विश्वास है HP मिल्क फेड के ऊपर।
क्योंकि ये ना केवल कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया, हाइजीन का ध्यान रखा गया है, ऑटोमेटिक मशीन्स में इनको पैक किया गया है। इस बार मिठाइयों में थोड़ी जो शेल्फ लाइफ खोए की मिठाई में थोड़ी कम रहती थी, शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। अगर फ्रिज में रखते हैं तो 18 मंथ तक शेल्फ लाइफ है हमारी मिठाइयों की, तो ये भी खास रहेगा। इसके अतिरिक्त हमने कुछ नए प्रोडक्ट भी निकाले हैं बच्चों के लिए, जो चोको चिप्स बर्फी है वो निकाली है, इसके अतिरिक्त क्रीमी बर्फी है, इसके अतिरिक्त लड्डू दो तीन टाइप के, पहले सिर्फ हमारे मोतीचूर के लड्डू आते थे प्योर घी के, अब बेसन के भी प्योर घी के शुद्ध देसी घी के लड्डू है, नवरत्न लड्डू है। इसके अतिरिक्त जो टीन के पैकेट डब्बे में आता है 1 kg में, उसमें रसबरी है, चमचम है, अंगूरी पेठा तो रहेगा ही, गुलाब जामुन और जो रसगुल्ला है वो तो पहले भी रहता था। तो इस ढंग से हमने हमारी 400 क्विंटल के करीब अभी हमने डिस्पैच की, आज भी लगे हुए, तो रिटेलर्स तक, डीलर्स तक या फिर हमारे मिल्क बार तक पहुंच चुकी है। हमारे एक तो हमारे जो एचपी मिल्क पैड के बार है अलग अलग जगह पर, वहां पर मिल सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे रिटेलर है, इस बार रिटेलर बढ़े हैं तो शिमला शहर में, तो रिटेलर्स के अलावा एचपी सेक्रेट में हमारे एक तो जो मिल्क बार रहता है, मिल्क पार्लर है, वो कंटिन्यूस ही है जो सेक्रेट की बिल्डिंग में है। इसके अतिरिक्त जो सीएम साहब का जो नीचे वाला वो है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने बाहर स्पेशल काउंटर बनाया है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अतिरिक्त पुराना बस स्टैंड में हमारी मिठाइयाँ मिलती है, हमारा मिल्क बार है वहाँ, एचपी मिल्क पैड का। सोलन बस स्टैंड में है, पालमपुर बस स्टैंड में है, बिलासपुर बस स्टैंड में है, घुमारवी बस स्टैंड में है, जो पालमपुर यूनिवर्सिटी है उसके बाहर हमारा है, रामपुर में है, उन्ना में है, एक नालागढ़ में है, बत्ती में है। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के जागरूकता अभियान के बावजूद भी लोग लालच में आकर ठगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। यदि साइबर विभाग पुलिस थाना शिमला द्वारा जारी आंकड़ों को देखा जाए तो इस साल फाइनेंशियल ठगी के मामले बढ़े हैं। जनवरी 2021 से लेकर 23 अक्टूबर 2021 तक 4374 मामले साइबर क्राइम के दर्ज किए गए हैं। शिमला साइबर पुलिस थाना के एसपी नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि लोगों की लापरवाही द्वारा साइबर ठग सक्रिय हैं और आए दिन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। आप किसी जो व्यक्ति हैं जिस जो आपको टेलीफोनिकली संपर्क कर रहा है उनको शेयर ना करें, कोई भी एसएमएस जो भी आपको आपके डिवाइस पर आता है, किसी भी टेक्स्ट मैसेज को आप किसी स्ट्रेंजर को शेयर ना करें, क्योंकि उसमें आपका ट्रांजैक्शन से संबंधित डिटेल रहती हैं, अन्य जो जैसे किसी का नंबर लिंक्ड मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए पोर्टिंग कोड वगैरह या रिमोटली एक्सेस लेने के लिए डिवाइस का वो लिंक वगैरह आपको शेयर करते रहते हैं। तो इसमें अगर आपका डिवाइस का रिमोटली एक्सेस हो जाता है तो फिर वो जो है आपके जो क्रेडेंशियल है मोबाइल के अंदर अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉडस्टर ले लेते हैं और आपके खातों से काफ़ी पैसा जो आपके खाते में है उसको ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं। ख़ासतौर से आज के वर्तमान समय में जो महिलाएँ हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो कोविड सिनेरियो में जो ऑनलाइन घर में बैठ करके अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, एंटीवायरस का यूज़ करें और अपना जो डेटा है कंप्यूटर में उसका बैकअप बना के रखें और कोई भी सस्पिशियस लिंक और ईमेल के थ्रू जो स्पैम अटैचमेंट्स आती हैं उसको आप क्लिक ना करें, क्योंकि आज की डेट में जो मालवेयर अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो जो है नष्ट हो सकता है और आपका जो इंक्रिप्ट हो सकता है और ऐसी स्थिति में जो एक साइबर क्रिमिनल जो है आपसे रैनसम का भी डिमांड कर सकते हैं। वर्तमान समय में आज के जो डिजिटल एरा में मोस्टली जो लोग हैं वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या कॉमन पब्लिक जो भी हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है
और जिस कारण जो है ये जो साइबर ठगी के जो अपराध हो रहे हैं उससे हम बच सकें, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें आप सिक्योरिटी जो फीचर है, प्रिवेलिंग सिक्योरिटी फीचर है, उसको अडॉप्ट करें। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें साइबर में, तो वर्तमान समय में जो है करीब अभी 10 महीने की अगर बात करें तो करीब 4000 के आसपास शिकायतें हमारे पास साइबर थाना शिमला में आई हैं, और इन शिकायतों में करीब 2000 के आसपास जो शिकायतें हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड हैं। तो इनमें इनका डेटा एनालाइज करने पर ये पाया गया है कि जो लोग जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी जॉब ऑफर्स है या लॉटरी फ्रॉड है या फिर सेक्स एक्सटॉर्शन है, जो फिशिंग कॉल्स आती हैं, लोगों की वीडियोस बनती हैं कि भाई आप जो है ऑनलाइन चैट करें, तो ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से जो हैं लोग जो हैं न्यूड पिक्चर शेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो है साइबर क्रिमिनल और मनी डिमांड करते हैं, और मनी डिमांड के बाद जो है ठगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जो है साइबर जो पुलिस स्टेशन है या नज़दीकी कोई अन्य पुलिस स्टेशन है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल पुलिस जो है हमेशा निरंतर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है लोगों को अवेयर करती हैं कि इस तरह से जो एक्टिविटी ऑनलाइन साइबर क्रिमिनल्स अपनाते हैं उसमें आप सचेत रहें। तो अभी जो भी एप्लीकेशन आप अपने डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं उस वो एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करें, गूगल ऐप से गूगल से डाउनलोड करें, अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसका सिक्योरिटी जो फीचर है उसको चेक करें, और कोई भी अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय शेयर ना करें, और किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। त्रिपुरा के कैलाश शहर में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान में लगे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जिहादी उन्मादियों द्वारा जानलेवा हमले के मामले का एबीवीपी ने रविवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया और हमले में संलिप्त सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि आज कुछ जिहादी ताकतें देश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा के कैलाश शहर के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो पूरे देश के अंदर हमारा सदस्यता अभियान चलाए, इस अभियान के तहत वहाँ पर एक स्कूल के अंदर मेंबरशिप करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेंबरशिप करके बाहर निकलते हैं वहाँ पर कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग, वहाँ पर जिहादी मानसिकता वाले युवा उन कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस व्यवहार का विरोध करते हैं तो वहीं पर एक जिहादी विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री को पेट में छुरा घोंप देता है। इस प्रकार की घटना इस देश के अंदर एक विद्यार्थियों के साथ होना बहुत ही कायराना घटना है। विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करती है। इसी घटना के विरोध में हमारा आज पूरे देश भर के अंदर ये धरना प्रदर्शन चला है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग जो कि विद्यार्थियों के ऊपर इस प्रकार जानलेवा हमला करते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जहां इस संकट काल में समाज की सेवा करने में लगा हुआ था, जहां सेवा ही धर्म इस प्रकार के उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो रक्तदान करने का विषय हो, चाहे वो निःशुल्क भोजन सेवा चलाने का विषय हो, चाहे वो गरीब लोगों की सेवा करने का विषय हो, इस प्रकार के अनेकों सेवा कार्य इस संकट के समय में विद्यार्थी परिषद ने किए, लेकिन समाज के अंदर कुछ देश विरोधी ताकतों को ऐसी घटनाएं शायद हजम नहीं हो रही, इसलिए वो अपना असली रक्त रंजित चेहरा दिखाते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर कायराना हमला करते हैं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 1 से 3 नवंबर को
भारी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 1 नवंबर से हिमाचल समेत पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आएगा। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। 2 से 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। एक पश्चिम विक्षोभ के आने की वजह से 1 से 3 तारीख तक जो है मैदानी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना है। उससे आने वाले दिनों में 2-3 तारीख और 4 तारीख के आसपास जो है न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, क्योंकि जो अभी तापमान चल रहे हैं वो सामान्य के आसपास है, तो उसमें जो है गिरावट होगी और दिवाली के आसपास और उसके बाद जो है एक मौसम में परिवर्तन आने की वजह से सुबह शाम ठंडे होंगे, तापमान भी कम होंगे। हिमाचल खबरनामा के संक में इतना ही। नमस्कार।